नमस्कार दोस्तों, मनीष कुमार आप लोगों के असंध पुल के नीचे किसान भवन के सामने अभी हम खड़े हैं और यहाँ पर बताया जा रहा है कि काफ़ी सारी दुकानें खुली हैं। तो अभी हम सीधा दुकानों का हम आप लोगों को तस्वीरें दिखाएंगे, किस प्रकार से दुकानें खुली हुई हैं, कितने इनके अंदर ग्राहक हैं। तो सीधा हम चलते हैं दुकानों के अंदर। पूर्ण लॉकडाउन किया जाए, न बाइकें चले न गाड़ी चले। अभी आप लोग दुकानें बंद करके दुकानों के शटरों के अंदर कहाँ कहें कई कई अगर तो मार्केट खुलेगी इससे मतलब बीमारी नहीं फैलेगी? मानव बीमारी फैलेगी वो तो डर है इस चीज़ का हमारे को जी, लेकिन करें क्या? अगर पूरी मार्केट अगर खुल रही है तो हम घर बैठ के क्या करें? तो सर अब हम ये चाहते हैं कि पूर्ण लॉकडाउन हो जाए, मेरे हम घर बैठते खुश हैं। हम अभी सर यहाँ पे हमारे को भी लग रहा है, अभी भाई साहब बताया जा रहा है कि वही ऊपर कोई दुकान है और उसमें काफी ग्राहक हैं उसके। तो कोई बात नहीं, वो दुकान मेरी बात खुलवाई जाएगी और मेरी बात अपने आप पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधे श्याम। हाँ हमारी मैडम जी, एक मिनट में सुधेर कराओ ना, आज राशन की दुकानों पर होते सुबह से शाम तक खुली हुई है, उसमें 50-50 ग्राहक खड़े हैं, वहाँ पे कोरोना नहीं है। तो सर इसके दुकानों में 5 ग्राहक आ भाई साहब, तो भाई साहब इसके ठेके पे लाइन लग रही है, वहाँ पे कोरोना नहीं है। भाई साहब इसकी गाइडलाइन सरकार तय करेगी ना, आप और हम नहीं, आप और हम नहीं तय कर सकते, आप और हम नहीं तय कर सकते। बैंक से लोन ले रखा है, बैंक किस्त मांगने आ गया है, कौन कहाँ से भरेगा? भाई साहब हमारे खर्चे इनसे तो निकलेंगे सर, हमारी ड्यूटी है कवर करना बस। और ये बताओ हमारा हम आप लोगों की जो समस्या है हम वो भी सरकार तक पहुँचाना। सरकार कुछ नहीं कर रही है तो बिल्कुल बंद करेगी ये, इसको टाइम दिया जा। मतलब आपका कहना है कि लॉकडाउन हो तो पूर्ण रूप से पूरा हो, वरना पूरा खोल दिया जाए, पूरा खोला जाए या टाइम दिया जाएगी, चाहे आप एक महीने का टाइम क्या चाहते हैं आप, कितना टाइम दिया जाए? 3-4 घंटा खूब टाइम दिया जाए मैडम, कम से कम हमारे घर के खर्चे तो निकले, कहाँ खाएंगे रोटी जाके मैडम। सर एक संपूर्ण लोग समय दिया जाए तो क्या 4 घंटे में आप लोग कवर कर लेंगे? अपने मर्जी से दुकानें बंद करेंगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल शर्मा जी। बिल्कुल करेंगे, कुछ कर ही नहीं रहे जी, पीछे से बैंक वाला का टंडा रहा जी, किस्त दो जी, मोबाइल वाले की किस्त आ गई जी, घर के राशन कहाँ से पूरे करेंगे जी, इतनी महंगाई रिलीफ है, इंडस्ट्री जो मर्जी ले सारे महंगे जी, डबल डबल रेट है, सरकार अपने रेट तो हाई कर दिया है, हम मर जाए। तो क्या मानते हैं कि सरकार या तो मैडम ये तो बिल्कुल बंद करा जाए बिल्कुल, या फिर क्या नाम है खुला जाए। ओए सन्ने भेज दे यार, हेलो भेज दे भाई सबको, आ जाओ नीचे। देखिए हम इस दुकान के अंदर आए हैं, इस दुकान के अंदर कस्टमर हैं, जबकि मैं ऊपर नीचे ही आ रहे हैं, सारे कस्टमर नहीं है आप देख सकते हैं। ओए सबको नीचे भेज दे यार सन्ने जी, मैम किस लिए आए हैं यहां पे? कमाल कर रहा तू, भेज देगा हां जी। एक मिनट सर, मैम जाओ मैडम, मैम आगे एक मिनट
ये कस्टमर है जो अभी ये कह रहे थे हमारी दुकान में कोई कस्टमर नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चे लेकर के भी आए हुए हैं। चले जाओ नीचे, आओ जी नीचे, आदम नीचे आओ। मैडम जी और कोई तो नहीं है सर? अभी इससे ऊपर और भी है क्या? नहीं सर अब कोई भी नहीं है, अब क्या के लोग लगा के जा रहे हैं बस। आ जाओ, नहीं लोग तो हमारे सामने आप। अरे अरे भाई आ जाओ, मैं फटाफट आ जाऊँ। ठंड करो नु, उनकी दुकान के अंदर से चार कस्टमर इस समय निकले हैं, दूसरी मंजिल पर आए हैं। यहाँ पर अब कोई कस्टमर बकाया नहीं, अभी देखा है कि इसी मंजिल यहाँ से अभी उतरे हैं। तो प्रशासन शानदार, इस तरह की जो दुकानदारी है करने को मजबूर ना हो, इसीलिए इन्हें छूट दी जानी चाहिए कि अपनी दुकानें खोल करके दुकानदारी कर सके, ताकि इनके खर्चे निकल सके। ए गुड़िया चल बाहर, लोग लगा गए अंदर, ढूंढते हैं हम दुकानदार को। जैसे कि अभी कई दुकानों के दुकानदारों को हमने ढूंढा है और उनकी दुकानें खुलवाई है। चश्मे वाला आगे भाई साहब, चश्मे वाला खड़ा है, साथ में यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी आया हुआ है। दुकान खोल रहा है कि क्या फोन करके बुलवाओ? हाँ कौशल भागी हो ना भाई, हेलो किसकी है? अरे मालिक को तो जानते हो, अगर जॉब करते तो मालिक को बुलाओ, ये ना हो बार बार फील हो क्या फायदा, बुलाओ उसको। ये भीड़ मत करो भाई, इधर खड़े मत हो, इधर खड़े मत हो, चलो इधर से भीड़ मत करो भाई साहब। भाई साहब खड़ा करा था, राम राम करो। शुक्रिया जी, बोलो आ गए, आ गए सर जी। हेलो चेक करो ना लड़का तो रहा खड़ा था, अब तो कह रहा लड़का लगेगा, बुलवा जल्दी बुला दुकान खोल। अभी लड़का आ रहा है, बुलवा ले जल्दी। अरे मेरे चाबी रही इसके साथ खोल ना, तुम लोग को खोल देने का किसी की इंतजार रहा था ना, ये चाबी जब मैं खोल लूँ जब नहीं खोल रहा है। एक बार दिखा चाबी दिखा भाई, लोग खराब है ये, अंदर से कैसे लग जाए? अंदर उठा दे भाई, शटर उठा ले, सारी बातें झूठी की झूठी रह गई, लॉक लगा हुआ है, कस्टमर ऊपर चढ़ा दिए गए होंगे। लाइट कस्टमर कहाँ है यार? लाइट ऑन करो, नीचे आ जाओ कस्टमर, कस्टमर नीचे आ जाओ, आप चला गए। बड़ी मशक्कत के बाद दुकान खुली पुलिस प्रशासन के साथ, और अभी एक कस्टमर क्या लेने आए थे? कपड़े लेने आए थे। कितनी देर होगी तुम्हें दुकान के अंदर? 20-25 मिनट। तो क्या खरीदा? कोट और ले लिए। क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए? अभी जब ये दुकान बंद की गई आपको क्या बोला गया, दुकान बंद क्यों की गई है? आपको पता था दुकान बंद है? तो आप दुकान के अंदर क्या कर रहे थे? कपड़े क्या करते हो? कपड़े दुकान के अंदर, मतलब आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है। दिन पर क्या करूँ, शादी है ना मेरी। सुबह करो यार, सुबह का है। तो आप कपड़े खरीद रहे थे? और भी है कोई? नहीं जी, आपको आप ही थे यहाँ पे? अभी क्यों तीसरी मंजिल तक दुकान का नाम कुछ नहीं, ऐसे ही चलो भाई। अड़े तो और रही बात, हाथ हमारे आगे जोड़ने की बजाय अपने घर वालों के आगे जोड़ लो, कि हम जाते नहीं कहीं भी। ये
कर लो भाई बंद रहेगी कुछ कसर से। पुलिस प्रशासन के आने के बाद भी पता नहीं क्या सोच रहे हैं दुकान बंद करने में। घंटे में चक्कर लगाते हैं रहते हैं मार्केट के अंदर, होने भी बताते हैं, इनको समझाते हैं, मानते नहीं, बाद में फिर खोल लेते हैं। तो इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई वगैरह के खिलाफ तो प्रशासन कोई सख्त एक्शन लेगा या कोई मुकदमा दर्ज हो इनके खिलाफ। अभी जैसे आपने एक दुकान खुलवाई है, इसी तरह से 8-10 दुकानें खुलवाई है, सब के अंदर किसी के अंदर 10, किसी के अंदर 2, किसी के अंदर 15 ग्राहक भी मिले हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो इसको कौन करेगा? क्या आम आदमी करेगा, पत्रकार करेंगे या फिर प्रशासनिक अधिकारी करेगा? होना चाहिए इनके खिलाफ। तो प्रशासन इतनी सुस्ती दिखा रहा है इस मामले को लेकर के, क्या कहीं ना कहीं प्रशासन इस महामारी को बढ़ावा नहीं दे रहा इस तरीके से? मैडम प्रशासन कोई सुस्ती नहीं दिखा रहा है, एक घंटे के अंदर चक्कर लगाते हैं। हमारा एरिया बहुत बड़ा है, पब्लिक मानती नहीं है, इधर से हम घूम के चले गए, बाद में फिर दुकान खोल लेते हैं। प्रशासन तो बहुत स्ट्रिक्ट है अपने उस पर। तो सर हर एक घंटे में राउंड लेता है। जैसे सर अभी आपको ये दुकान खुली मिली है, तो इस पर क्या कुछ कार्रवाई बनती है? इसकी कार्रवाई करवाएंगे, एसएचओ साहब से क्या करके मुकदमा दर्ज करवाएंगे इसके खिलाफ। आप नहीं कर सकते, आपको अथॉरिटी है? हाँ सर, आपको भी अथॉरिटी होगी मुकदमा दर्ज करने की? ऐसा सर है, आइयो मुकदमा दर्ज करता, हमारी ड्यूटी ओनली राइडर की है सर इलाके के अंदर। ठीक है, आपका इन्फॉर्मेशन एरिया के अंदर कितने राइडर हैं इस एरिया के अंदर? इस एरिया के अंदर मैडम एक राइडर है, एक राइडर है, हाँ, एक एसएचओ वाली गाड़ी है जी। एरिया कितना बड़ा है सर? ये एरिया हमारा पूरा, ये एरिया हमारा, ये काबड़ी तक सोदापुरी पूरा एरिया बहुत पड़ता हमारा, नफरी कम है। क्या नाम है आपका? मेरा होलदार महावीर सिंह। ठीक है सर, धन्यवाद।